वेलकम टू आर चैनल विंग्स एक उड़ान। गाइस, हम आपके साथ जो ये सीरीज़ चला रहे हैं, वी आर मेकिंग श्योर कि जितने भी सुपरवाइजर ओरिएंटेड आपके स्पेशली जो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है 60 मार्क्स का, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए सारे वेट कर रहे हैं कि किस टाइप का एग्ज़ाम, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो वी आर मेकिंग श्योर रोज़ आपके साथ डेली 10 क्वेश्चंस डिस्कस करें। ऑफकोर्स डिटेलिंग रहती है एज विद द वीड, जिसको आई कीप ऑन सेइंग, जो मीडियम है इस मीडियम से यू नो काफ़ी हेल्प हो जाता है कि आपका जितने भी आपके यू नो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं क्लियर होते हैं। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आप लोग हमें कमेंट सेक्शन पे काफ़ी अच्छा अपना इनपुट दे रहे हैं, स्पेशली इन रेफरेंस टू आपके जो टोटल मार्क्स है। आप में से कईयों के 8-9 आ रहे हैं, कईयों के 6 है, डज नॉट मैटर, यू हैव ऑलरेडी रीच 6। एक थोड़ा और एफर्ट लेके आप 8 या 9 तक पहुँच जाएंगे एंड दैट इज़ फाइन। आज स्टार्ट करते हैं गाइज। आज का है हमारा यूनिट 1, अभी भी चल रहा है चैप्टर 3। ओके, अब चैप्टर 3 क्या है आपका? सोशल इंस्टीट्यूशंस। नाउ व्हाट आर सोशल इंस्टीट्यूशंस? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सोशल नॉर्म्स या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस विद इन सोसाइटी, सी एस्टैब्लिश पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर अराउंड अ कॉमन पर्पस, डी अ कलेक्शन ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। ओके, आप मुझे साथ साथ अपना बता दीजिए इसका आंसर क्या रहेगा कॉमेंट सेक्शन पे। द करेक्ट आंसर हेयर वुड बी सी एस्टैब्लिश पैटर्न बिहेवियर अराउंड अ कॉमन पर्पस। ठीक है, ये आ जाता है आपका सोशल इंस्टीट्यूशन का। ये एक स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, एक प्रॉपर तरीका जिसको हम बोलते हैं उसको बोला जाता है, एक पैटर्न होता है। ऑफकोर्स स्ट्रक्चर का एक पैटर्न भी होगा, ठीक है, ऑफ बिहेवियर होता है ऑर्गेनाइज अराउंड अ कॉमन पर्पस। एक पर्पस क्या है मेरा, एम क्या है मेरा, उसके अराउंड ये सब होता है, ठीक है, विद इन द सोसाइटी। ये एग्जिस्ट क्या करता है कि सोसाइटी के जो फंडामेंटल नीड्स है, फंडामेंटल नीड्स एक सोसाइटी के आप खुद सोचे क्या हो सकते हैं, गाइडेंस, ऑर्डर, उसको प्रोवाइड किया जाए, जैसे फैमिली, रिलीजन, गवर्नमेंट है, उसको क्लासिक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस का। विच टर्म रेफर्स टू द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर शेयर्ड बाई मेम्बर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप। नाउ गाइज प्लीज रिमेंबर, आपके इस चैप्टर में यू हैव वर्ड्स लाइक फोकवेज, मोर्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, ये चीज़ों में काफ़ी इंटरलिंक हो जाते हैं काफ़ी, या कभी कभी देर इज़ अ कन्फ्यूजन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो विच टर्म क्या है, वैल्यूज, नॉर्म्स, फोकवे, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर हेयर इज नॉर्म्स। जिसको नॉर्म्स को यूजली हम क्या कहते हैं, कुछ एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। नाउ बिहेवियर से याद करिए अपने बचपन का टाइम, कैसे हमें बार बार बिहेव के लिए बहुत बोला जाता था। अब जब हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो क्या क्या बिहेवियर की हम बात कर सकते हैं? नॉर्मल, जैसे सेइंग थैंक यू हो गया, फॉर एनी फेवर हो गया। अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो एक प्रॉपर आई टू आई कॉन्टैक्ट रखना भी ज़रूरी होता है, दैट इज़ हाउ यू मेक श्योर। हम लोग बोलते हैं कभी कि वो आंखों में डाल के बात नहीं कर रहा था, सो दैट मीन्स उसके इंटेंशन पता नहीं सच था या गलत था। ओके, सो ये एक कॉमनली परसीव, ये इनफॉर्मल परसेप्शन जो होता है ना, नॉट दैट इसके अगेंस्ट हम कभी सोसाइटी के अगेंस्ट ऐसे जा सकते हैं, सो यू कैन से ये एक इनफॉर्मल परसेप्शन रहता है, अनरिटन रूल्स इसको यूजली कहा जाता है, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, हाउ आर फोकवेज डिफाइंड? स्ट्रिक्ट रूल्स दैट गवर्न बिहेवियर इन सोसाइटी, माइनर नॉर्म्स दैट गाइड एवरीडे बिहेवियर, बिलीव्स अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग, फॉर्मल लॉज एनफोर्स्ड बाय गवर्नमेंट। द करेक्ट आंसर हेयर इज माइनर, बी, माइनर नॉर्म्स दैट गाइड एवरीडे बिहेवियर। अगेन, ये इनफॉर्मल नॉर्म्स है जो एवरीडे, जो हमारा रोज़मर्रा की एवरीडे बिहेवियर को फॉलो करते हैं, कोई हैबिट है, कोई सम अनरिटन ट्रेडिशन वगैरह जो फॉलो किया जा रहा है ओवर द टाइम, उसको ये हम कहते हैं, सर्टन एक्सपेक्टेशन आल्सो। जैसे इफ़ वी एक्सपेक्ट, जैसे पार्लियामेंट में किस टाइप के कपड़े पहन सकते हैं, या किसी हम ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हैं, सो वी एक्सपेक्ट कि हम फॉर्मल वेयर पहने, दीज आर सर्टन एक्सपेक्टेशंस। मतलब पता है कि इट्स नॉट वो कैजुअल शॉर्ट्स में, वी डोंट एक्सपेक्ट, हम लोग अपने इनफैक्ट इंस्टीट्यूशंस में भी, चाहे वो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, वी डोंट एक्सपेक्ट समवन कि वो यू नो एक शॉर्ट्स टी शर्ट पहन के आए। ऑफकोर्स एंट्री हो जाती है, बट
सर्टन नॉर्म्स लिखे जाते हैं उसमें, या थूकना, लाइक नॉट स्पिटिंग ऑन द साइड वॉक जिसको कहते हैं, या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हार्डली इंडिया में कोई करता है, दैट इज़ कवरिंग माउथ वाइल वी स्नीज और कफ. सो इसके रिगार्डिंग भी हार्डली हम में से, आप खुद ही सोचिए कौन करता है. एंड इफ़ वी टेल पीपल कि अपना मुंह तो बंद कर ले खांसने के टाइम या छींकने के टाइम, वो ऐसे बोलते हैं अरे इससे क्या हो गया. सो दैट इज़ हाउ यू विल डिफाइन फोकवेज इन अ सोसाइटी वेयर पंक्चुअलिटी इज हाईली वैल्यूड. विच टाइप ऑफ नॉर्म डज बींग ऑन टाइम रिप्रेजेंट. ओके, अब ये आपके लिए यहाँ पे क्या दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है. एग्जाम्पल से यू विल टेक आउट कि इसका मीनिंग क्या होगा इनमें से फॉलोइंग का. फोकवे मोर्स टैबू या वैल्यूज. टैबू नहीं होगा, टैबू क्या रहता है, आप एक नेगेटिव कॉनोटेशन में हम इसको बात करेंगे कि नहीं 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 ये चीज़ें अलाउड नहीं है हमारी सोसाइटी में, या देर इज ज़ीरो एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टन थिंग्स. सो बींग पंक्चुअल रिप्रेजेंट्स, ओके इसका करेक्ट आंसर बाय द वे इज फोकवे. सो बींग पंक्चुअल रिप्रेजेंट्स क्या एक फोकवे है, और ये इनफॉर्मल नॉर्म आ जाता है आपका गवर्निंग एवरी डे बिहेवियर. ओके, लेट्स मूव अहेड. वैल्यूज आर फॉर्मल लॉज एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, डीपली हेल्ड बिलीव्स अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग, इनफॉर्मल नॉर्म्स दैट गाइड एवरी डे बिहेवियर, या स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप. गाइस, जब भी आपके सामने ऐसे लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको हाफ हाफ करके पढ़े. जैसे deeply held beliefs, यहाँ तक पढ़ लो, understand करो meaning, about what is right or wrong. So इसके दो part हो गए, एक ये part हो गया, एक ये part हो गया. Okay, informal norms हो गया. Now let's see इसका correct answer क्या है. इसका correct answer है B, deeply held beliefs. Deeply पे focus करिए, काफ़ी देर से जिसको हम follow कर रहे हैं बिलीव को, और व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग. देखिए, अगर ये कोई एथिक्स का सब्जेक्ट तो है नहीं कि जहाँ पे हम एक बिल्कुल फुल प्रूफ डेफिनेशन और उस पे जा रहे हैं, बट लाइक आई सेड, हम लोग जो वैल्यूज़ की बात करते हैं, यूजुअली इरिस्पेक्टिव आप नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट वेस्ट में हो, वैल्यूज़ हमेशा, वैल्यू सिस्टम जिसको इंडियंस आर वेरी प्राउड ऑफ इट, यूजुअली फैमिली वैल्यू सिस्टम की हम बात करते हैं, वो इरिस्पेक्टिव हम कहीं पे भी हो इंडिया में, इट इज़ ऑलवेज सेम. सो इट इज़ समथिंग जो स्ट्राइव करता है, इट कैन बी कंटेजियस. दैट मीन्स अगर मेरे सामने कोई ऑनेस्ट बंदा काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, और ईमानदारी से उसको अच्छा आई वुड से रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, इस्पेशली अमंग यंग चिल्ड्रन, ये एक एग्जाम्पल बन जाता है फॉर यू नो टू फॉलो सर्टन वैल्यूज़. ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या जाते हैं, जैसे आपका जस्टिस हो गया, फ्रीडम, कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग रिस्पॉन्सिबल आल्सो इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू सिस्टम. ओके, सोशल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी इज सोशल प्रॉब्लम, सोशल कंट्रोल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव. ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज सोशल कंट्रोल. ओके, ये क्या है, रेगुलेशंस है, आपके मैकेनिज्म्स होते हैं, सैंक्शन हो सकते हैं, सिस्टम हो सकता है, सो दैट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर को. रिस्ट्रिक्ट या रेगुलेट करना, इसको थोड़ा इंटरकनेक्शन यहाँ पे लेट्स टेक इट फॉर सम टाइम, सो दैट वो एक सोसाइटी के प्रॉपर नॉर्म्स और ऑर्डर के हिसाब से चले. ओके, इट कैन बी बोथ इनफॉर्मल फॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, तो इसलिए रेगुलेशन या ज़रूरी पड़ जाती है. जैसे आप देखिए, जैसे लॉज में हम रेगुलेशन लाते हैं, एजुकेशन सिस्टम में लाते हैं, अपना इकोनॉमिक सिस्टम में लाते हैं, दैट इज़ व्हाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ओके, लेट्स मूव अहेड. अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर, इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश फॉर्म्स और कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, फॉर्मल ग्रुप्स क्रिएटेड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, rules and regulations created by above या none of by the government या none of the above. Now let's take it aram se. The correct answer is established form established sorry established forms or conditions of procedures characteristics of group activity. Let's see ye kya. Dekhiye, first of all ye ek sociologist hai, Robert McLeaver. ये डिफाइन करता है इंस्टीट्यूशन को, ये कुछ फॉर्म्स है, कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर्स.
सो प्रोसीजर है, लेट मी राइट कीवर्ड्स, प्रोसीजर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके, ग्रुप एक्टिविटी के, ग्रुप एक्टिविटी के, ओके. ये एम्फसाइज क्या करता है कि ये पैटर्न है या स्ट्रक्चर है जो इमेज इमर्ज करता है सोशल ग्रुप से, विच गवर्न्स दे बिहेवियर एंड इंटरैक्शंस. ये एस्टैब्लिश फॉर्म्स एंड कंडीशन क्या इंक्लूड करता है, नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस. लेट मी राइट, नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ओके. एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कैसे ये गाइड करते हैं इंडिविजुअल को विद इन अ सोसाइटी, किस हिसाब से उनको बिहेवियर इंटरैक्ट करना चाहिए. ठीक है, नाउ व्हाट आर क्रेसिव इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन दैट इमर्ज अनकॉन्शियसली इन सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस दैट आर कॉन्शियसली क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, इंस्टीट्यूशंस दैट आर फॉर्मलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, या इंस्टीट्यूशन दैट आर क्रिएटेड बाय रिलीजियस ग्रुप्स. इम्पॉर्टेंट टर्म है, कभी पूछ सकते हैं आपसे, कंसिडरिंग इंस्टीट्यूशन का चैप्टर है. इसका आंसर है ए, वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंस्टीट्यूशन है जो इमर्ज होती रहती है ओवर यू नो सोसाइटी में ओवर टाइम्स. ग्रेजुअल प्रोसेस इनका क्या रहता है, इसका सोशल इंटरैक्शन, कल्चरल एवोल्यूशन. लेट मी राइट, सोशल इंटरैक्शन. देखिए, सोशल जब वर्ड आ जाता है, ये इवॉल्विंग नेचर ऑटोमेटिकली. देखिए, सोसाइटी इज़ अ वेरी इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट. हमारी सोसाइटी जो 10 साल पहले थी वो अभी नहीं है. अभी देर कैन बी मोर एक्सेप्टेंस ऑफ वेरी सर्टन थिंग्स. ठीक है, अब चेंज इन सर्कमस्टेंसेस लाइक आई मेंशन. अब यहाँ पे क्या है, जो इंस्टीट्यूशंस है वो डेलिबरेटली क्रिएट नहीं होते हैं. देर इज नो डेलिबरेशन, डेलिबरेट क्रिएट नहीं होते हैं अपने पर्पज़ के लिए. और ये फॉर्मलाइज है ना, ये गवर्नमेंट या रिलीजियस पर्पजेज के लिए दिए होते हैं. अगर रिलीजियस पर्पज को होगा तो वो भी एक फॉर्मलाइज होगा. दैट मीन्स ग्रुप आ रहा है कि नहीं भाई बनाना है, एक ग्रुप बनानी है हमें. सो एग्जाम्पल्स इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे इंक्लूड इसमें लैंग्वेज हो जाता है, फैमिली स्ट्रक्चर, सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. ये एक इंडिविजुअल अगेन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, इट फुलफिल्स द नीड ऑफ द मेम्बर्स, इट डिफाइंस एंड रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ मेम्बर्स, इट इज़ अ मीडियम ऑफ कल्चर, या ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑल ऑफ द अबव मैंशनड. मीडियम ऑफ कल्चर है ये, कैसे, यहाँ पे ट्रांसफर होती है नॉलेज, नॉलेज, कस्टम्स, वैल्यूज, जनरेशन टू जनरेशन. ये फुलफिल क्या करता है, नीड्स ऑफ द मेंबर्स, किस किस के, सोशल, जो सोशल इंस्टीट्यूशन फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और ये रेगुलेट करता है उनके बिहेवियर. ये डिफाइन क्या करता है, रेगुलेट क्या करता है, बिहेवियर ऑफ मेंबर्स. क्या करता है, जैसे गुड या बैड बिहेवियर हो गया, वे ऑफ ड्रेसिंग एंड अदर बिहेवियर हो गया, करेक्ट, जैसे स्कूल के बिहेवियर का रहता है, पनिशमेंट, रेप्रिमांड, रेस्ट्रिकेशन, ये सब चीज़ें इसमें आपकी आ जाती है, बिहेवियर ऑफ मेंबर्स. दूसरा क्या जाता, तीसरा क्या जाता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ये प्रोवाइड क्या करते हैं, रोल्स टू इंडिविजुअल्स करते हैं. दैट मीन्स कैसे, बेस्ड ऑन देयर एज, या एज या और भी कोई यादस्टिक रहती है रिलेशनशिप द्वारा या एज द्वारा, ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है और डिफाइन करती है रिलेशनशिप्स को. लास्ट, कल्चरल टाबूज सच एज इंसेस्ट और स्टीलिंग मर्डर आर एग्जांपल ऑफ. व्हाट इज इंसेस्ट, दैट मीन्स, लेट मी गिव एन एग्जांपल. अगर आप में से किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, वहाँ पे इट इज शोन, जस्ट गिव एन एग्जांपल, हाउ अ ब्रदर एंड सिस्टर आर इन्वॉल्वड इन अ फिजिकल रिलेशनशिप. ठीक है, या रिलेटिव तुम अपने उसमें इन्वॉल्व हो, दैट इज़ कॉल्ड इंसिस्ट. ऑफ कोर्स इट इज़ अ कल्चरल टैबू, ये नहीं है अलाउड हमारी सोसाइटी में. अगेन, दीज आर नॉट रिटन समवेयर, बट ये अलाउड नहीं है. आप कहीं पे बोल नहीं सकते हो कि नहीं, मैं अपने भाई बहन से, मेरे को अपनी बहन से शादी करनी है, और आई मीन अ रिलेशनशिप विद माई ब्रदर और अ सिस्टर. ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, मोर्स, वैल्यूज, फोकवेज, या ऑर्गेनाइजेशन. द करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, ए, यस, मोर्स. ये डीपली एंग्रेड है सोसाइटल नॉर्म्स में, जो क्लोजली रिलेटेड है मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज में. ठीक है, वायलेटिंग मोर्स इज ऑफन मेट. अगर कोई वायलेट कर रहा है इसको, ऐसा नहीं है कि उसको कोई जेल वगैरह हो जाएगी, बट एक वो डिसअप्रूवल रहता है सोसाइटल से
सोसाइटी से, फैमिलीज, ऑफ कोर्स फैमिली इज पार्ट ऑफ सोसाइटी ओनली, तो उससे ज़्यादा सिवियर सोशल कॉन्सिक्वेंस होते हैं. कभी कभी सपोज अगर लॉ में कभी ऐसा मेंशन हुआ रिगार्डिंग इंसेस्ट, ऑफ कोर्स लाइक आई सेड मर्डर स्टीलिंग तो ही आपका आ जाता है, तो वो आपका सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी इफेक्ट कर जाता है. जैसे इंसेस्ट हो गया, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सो दैट इज़ हाउ आई विल डिफाइन मोर्स. ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का लेक्चर. जस्ट अ ब्रीफ इंट मैं आपको दे दूँ, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है गाइस, कल भी हमारा एक टेस्ट होगा. ये बैक टू बैक हमारे टेस्ट चल रहे हैं, वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल दीज टेस्ट. वेरी नाइस वे कि आप इसको टेस्ट करिए, वी स्टिल हैव टाइम, रिवाइज करिए. यू विल बी गेटिंग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मैं आपको जल्दी ही वो एक PDF भी दिखा दूँ कैसे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं. बार बार रिवाइज करिए अपने नोट्स को प्लस टेस्ट सीरीज को, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट. ओके, सी यू देन, बाय बाय.